क्लास सिक्स का 13th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम देखते हैं। सबसे पहले तो लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, ये जहां हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, खोजबीन करने वाले हैं इस चैप्टर में, उसका एक शीर्षक है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। और ये जो तीन टर्म दे रखे हैं, इन तीनों का अलग अलग अर्थ होता है, इनके बारे में हम एक एक करके खोजबीन करेंगे। सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। ठीक है, जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उसको पहले खोज तो रहे हैं क्या वो। ठीक है, तो है क्या इसके बारे में, इसी का अध्ययन करने वाले हैं, इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि जो लाइट है वो ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। तो यहाँ आप इस ब्लैक बोर्ड को देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइट आ रही है, ऐसे क्योंकि वो खिड़कियां हैं, खिड़कियों से लाइट आ रही है, और यहाँ एक LED बल्ब लगा हुआ है उससे लाइट आ रही है। वो कुछ ये ऊपर से खिड़कियां हैं और सामने से दरवाजा है, वहां से लाइट आ रही है। यदि इन खिड़की दरवाजों को, जिस LED बल्ब को बंद कर दिया जाए, पूरी तरह ढक दिया जाए, तो क्या हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो लाइट हेल्प कर रही है, हमें सहायता कर रही है देखने के लिए। देखने से हमें ये पता नहीं चलता कि लाइट क्या है। ठीक है, जैसे एक जो पानी होता है वो आग को बुझाने में सहायता करता है, लेकिन इससे आप ये थोड़ा कह सकते हैं कि पानी वह है जो आग को बुझाता है, ये पानी की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह लाइट की डेफिनेशन नहीं है कि लाइट वो है जो हम देखने में सहायता करती है। ठीक है ना, लाइट करती होगी सहायता, लेकिन लाइट क्या है वास्तव में। ठीक है, इसको हम थोड़ा धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो कई सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसके बारे में काफी कुछ कहा। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो सर आइजैक न्यूटन थे। सर आइजैक न्यूटन ने लाइट के बारे में एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी, जिसको कॉर्पस्कुलर मॉडल कहा गया है। उसमें उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी है, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, मेटल के पार्टिकल्स कह सकते हैं उन्हें, वो अलग तरह के कुछ कण हैं। ठीक है, जिनसे लाइट मिलकर बनी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी है। तो की बात जो थी कि लाइट पार्टिकल्स है, ठीक है, कणों से मिलकर बनी है, वो काफी लंबे समय तक नहीं, काफी लोगों ने लंबे समय तक उसे माना। इसके बाद कई वैज्ञानिक हुए जिन्होंने उनकी बात को नकारा, उनकी बात को गलत साबित करने की कोशिश की, और कुछ नया अपनी तरफ से उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की, प्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लाखों एक्सपेरिमेंट्स अभी तक लाइट पर हो चुके हैं, हो रहे हैं, ठीक है, होते रहेंगे, हम भी वो चलेंगे एक्सपेरिमेंट्स। तो सर आइजैक न्यूटन की तो ये बात रही, उन्होंने कहा कि देखिए जो लाइट है वो ये जो बॉल है इसकी तरह है। ठीक है, लेकिन मतलब एक पार्टिकल की तरह है। ठीक है, ये बॉल को आप एक पार्टिकल मान सकते हैं, तो एक पार्टिकल की तरह लाइट है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि ये है, ये जो पार्टीशन है मेरे पास रखा हुआ है, या इस दीवार को कहें, मेरे सामने जो दीवार है ये ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के पीछे नहीं देख सकते। तो ब्लैक बोर्ड के पीछे हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के पीछे नहीं जा सकते, इसको पार करके टकरा के वापस आ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे बॉल को मैं फेंकूं और ये टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा, और ये बात कहीं कहीं ठीक भी बैठती थी, लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था तो कुछ ऐसे बातें थी जो सर आइजैक न्यूटन का जो मॉडल था ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो फिर और सारे साइंटिस्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, प्रूफ भी की, और फिर यदि चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा ही हो जाएगी। यदि आपका कभी मन हो इस विषय पर चर्चा करने का, तो आप आइए मेरे से संपर्क कीजिए, या नेट पर भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनको देखिए, उनको देखने के बाद उससे बात करने की, उससे चर्चा कीजिए, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो इस चैप्टर का कंटेंट है मैं उसको उसमें
उसके दायरे में रहने की कोशिश करूंगा, उससे फिर यदि हमें टाइम बचता है तो हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो लाइट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लाइट क्या है ना, क्योंकि हम अभी एक डिस्कर्स पर नहीं पहुंच सकते। तो जो भी है लाइट, जो भी है, तो लाइट कहीं ना कहीं से आ रही है, ठीक है। अब कहाँ से आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो इस खिड़की में लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो सनलाइट है। ऐसे इस खिड़की से आने वाली लाइट भी सनलाइट है, ऐसे इन खिड़कियों से आने वाली लाइट भी सनलाइट है। अब ये देखिए, ये एक एलईडी बल्ब है, ठीक है। तो ये सनलाइट नहीं है, ना ये कोई भी नेचुरल लाइट है। तो लाइट को हम, लाइट के जो सोर्सेज हैं यानी लाइट के वो स्रोत हैं जहाँ से हमें लाइट मिलती है, उसको हमने दो भागों में बांट दिया। पहला क्या, नेचुरल लाइट, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, और दूसरे जो कि मैन मेड है यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। तो देखिए, जो बल्ब है ये हमने बनाया यानी कि लैब में बनाया, तो ये मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। और बाहर से जो लाइट आ रही है वो सन से आ रही है, सूर्य से आ रही है, इसलिए वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। यानी कि सन कैसा सोर्स हुआ, जहाँ से हमें लाइट मिल रही है, जहाँ से भी, उसको हमने दो मतलब कैटेगरी में बांट दिया। तो पहली कैटेगरी हमने बांटी, उसका नाम हमने दिया नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स के लिए बात करें, नेचुरल सोर्स उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सन का, यानी कि सूर्य का, ठीक है। जो सूर्यदेव है वो हमें अनंत काल से रोशनी प्रदान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हीं का नाम आना चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, यानी कि लाइट उनके शरीर से निकलती है, तो उसमें जो जुगनू होता है, फायरफ्लाई, उसका नाम आता है। और जो तारे हैं, ठीक है, जैसे हमारे जो प्लानेट का स्टार है वो है सन, जो सूर्यदेव है वो हमारे गैलेक्सी का एक स्टार है। ऐसे ही बहुत सारे अनंत गैलेक्सीज हैं हमारे ब्रह्मांड में, तो अनंत तारे हैं, ठीक है। तो जो तारे हैं उनकी रोशनी भी धरती तक पहुंचती है, लेकिन बहुत कम। इसके बाद जो आर्टिफिशियल सोर्स हैं प्रकाश के, उनमें तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि अभी एलईडी लाइट हुई, अभी जैसे देखिए फोन की फ्लैश लाइट, देखिए फोन की जो फ्लैश लाइट है ये भी एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। इसके अलावा जितनी सारी लाइट जो भी एलईडी लाइट है या बल्ब है वो भी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के अंदर आता है। लेजर लाइट या जो भी है, ट्यूब लाइट, टॉर्च, कैंडल, मोमबत्ती, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।